अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ग्रीन तहरी, जो एक महाराष्ट्र डिश है, जिसके लिए हमने 3 पाव चावल लिया है। ये इस तरह छोटे चावल लिया है, आपके पास अगर लंबे होंगे तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसको चावल पुराने लगते हैं, हमेशा याद रखिए आप कि पुराने चावल ही लेना है, इसे नए नहीं लेना है। और इस तरह से हमने ये 200 ग्राम कप से 3 कप लेकर और 100 ग्राम लिया है, इसे टोटल हमने 700 ग्राम चावल लिया है 3 पाव, और मसूर की दाल 100 ग्राम लिया है, और इसमें 6 से 7 लोग खा सकते हैं, और 400 ग्राम मटन लिया है हमने, और 200 ग्राम तेल, और 3 पाव टमाटर लिया है, और उसको इस तरह हमने बारीक चॉप कर दिया है, और आधा प्याली हमने कोथमीर लिया है, और 3-4 हरी मिर्ची जो हम एक साथ इसे पीस लेंगे, और 7-8 हरी मिर्ची ली है जिसे हमने इस तरह से कट्स लगाए हैं जो हम बघार में डालेंगे, और 1 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और 2 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी लिया है। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने, और 1 टेबल स्पून जीरा, और 3-4 लौंग, और 1 टीस्पून शाहजीरा, और 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 इलायची लिए हमने, और 2-3 काली मिर्ची। ये हम दोनों मिलकर इसको भून लेंगे और इसका पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे, और ये बघार के लिए ये हमें भूनकर पीसना है, और ये भी हमें पीसना है, और ये खड़ा मसाला हम शुरू में बघार में डालेंगे तहरी। जो हमने गरम मसाला लिया है, जो हम इसे पीसने वाले हैं, तो ये जीरा और ये पूरा खड़ा मसाला इसे हल्का सा बस गरम तवे पे डाल के हल्का सा भून के से मिक्सर में पीस लेंगे। ये जो गरम मसाला हमने भुना है इसको इस तरह बारीक पीस लिया है। सबसे पहले हम एक भगोने में ये जो तेल रखा था हम वो डाल देंगे, फिर उसके बाद ये जो खड़ा मसाला रखा था वो डाल देंगे। इसमें से खुशबू आने तक इसे भूनेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ये जो हमने कट्स लगाए थे हरी मिर्ची में वो डाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़े फ्राई होने के बाद हरी मिर्ची को थोड़े फ्राई होने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और जो ये कोथमीर और हरी मिर्ची रखी थी हमने उसको इस तरह मिक्सर में पीसते हैं बारीक, उसे जल्दी ही जब ही पीस के डाल देंगे ताकि इसका कलर ग्रीन रहे, क्योंकि हम ये ग्रीन तहरी बना रहे हैं। तो इसको आप तभी पीसे जब आप इसमें बघार में डालने वाले हैं, पहले से पीस के ना रखें। फिर उसके बाद हम इसमें ये हल्दी पाउडर डालें, ये जो मिर्ची पाउडर रखा था हमने वो भी इसमें डाल देंगे। आपके हिसाब से, अगर आप फीका खाते तो आप नहीं भी डाले तो चलेंगे, मिर्ची की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा और नमक डाल देंगे हम, ताकि मसालों में नमक अच्छे अंदर तक चल जाए, और ये जो हमने मटन रखा था वो भी डाल देंगे। फिर उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे, ये टमाटर भी इस तरह डाल देंगे हम इसमें। फिर इसे
20 मिनट तक ढक कर टमाटर गले तक इसे पकने देंगे। 20 से 15 मिनट तक हम इसे ढक देंगे और इसे पकने देंगे। इसको हमने 15 मिनट तक भुना है, तो इस तरह से घुल गए टमाटर, ढक कर रखा था इसे। और ये नींबू बताना भूल गए थे हम, 2 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे हम। टोटल ये 2 नींबू का रस है। और ये कस्तूरी मेथी डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें चावल निथार के डाल देंगे। गरम मसाला हम थोड़ा चावल पकते वक्त आखिर में डालेंगे। अब इसमें हम ये इसको निथार कर चावल डाल देंगे ताकि हम इसको भून सकें। अब इसमें हम इसे अच्छी तरह से इस तरह मिला लेंगे। फिर इसमें हमने टोटल 1 लीटर पानी लिया है उबाल कर, इसे गरम कर दिया है हमने। इसमें गरम गरम पानी डाल देंगे। कभी भी याद रखें, जब भी आप चावल पकाएं इसमें उससे चावल से इतना पानी ऊपर है तो बराबर भरेरे बनते हैं चावल। अगर आपके चावल पुराने हैं, वो चावल पे डिपेंड है कि आप किस हिसाब से पानी डालें। अगर नए हैं तो फिर और कम लगेगा आपको चावल में पानी। तो हमने पानी बॉईल करके रखा था, अब डाल देंगे उसमें इस तरह से। हमने इसमें गर्म करके रख दिया था। फिर बाद में हम इसे ढक देंगे। फिर इसको बीच बीच में चेक करेंगे चावल गलने तक। फिर जब चावल गलने पर आए तब हम इसे दम दे देंगे। तो अभी हम इसे 10 मिनट ढक कर दम दे देंगे। थोड़ी देर इसे पकने देंगे, फिर आखिर में दम देंगे हम। अभी इसमें हम ये जो गरम मसाला रखा था हमने, ये गरम मसाला जो रखा था हमने वो डाल देंगे। फिर नमक इसमें चख लेंगे हम। नमक आप आपके हिसाब से डालें। अब इसे हम ढक के 10 मिनट पकने देंगे, फिर और बीच बीच में चेक करेंगे। इस तरह हमारे चावल का पानी पूरी तरह सूख गया है। अब इसे हम सिर्फ 2 मिनट और ढक के रखें तो ये इस तरह से दबाए तो इस तरह से गल चुके होंगे। इसे अब 2 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे दम होने के लिए। फिर हमारे चावल तैयार है। ये अब हमारी तहारी दम हो चुकी है, अब तैयार हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। लीजिए हमारी ग्रीन तहारी तैयार है।